उधर ग्वालियर में एक निजी कॉलेज के जूनियर छात्र ने सीनियर्स पर रैगिंग करने और कनपटी पर पिस्टल लगाकर डराने का आरोप लगाया है। रैगिंग की शिकायत के बाद मामला एंटी रैगिंग कमेटी को सौंपने के साथ ही 5 आरोपियों को सस्पेंड कर दिया गया है। कॉलेज के छात्रों का कहना है कि कॉलेज में एंटी रैगिंग कमेटी की टीम सतर्क नहीं थी, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। फिलहाल शिकायत के बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन मामले को लेकर अभी तक अपनी तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया है कि आखिर कॉलेज में एंटी रैगिंग टीम होने के बावजूद रैगिंग की घटना कैसे हो गई। चलिए अब आपको एक चौंकाने वाली खबर दिखाते हैं, जहां प्रदेश में हर महीने 1000 लोग किडनैप किए जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे किडनैप होते हैं। यह हम नहीं बल्कि पुलिस के 8 महीने के क्रिमिनल रिकॉर्ड से खुलासा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 90% केस में फिरौती या रंजिश का कोई भी मामला सामने नहीं आया, तो वहीं 3 से 17 साल के बच्चे और बच्चियों के गायब होने की पुलिस ने FIR दर्ज की है। वहीं जनवरी से लेकर अगस्त तक किडनैपिंग के केस में लगातार इजाफा देखा गया है, जबकि अब तक 8600 से ज्यादा लोग लापता है। बता दें कि पिछले साल हजारों की संख्या में बच्चों का रेस्क्यू किया गया था। तो मध्य प्रदेश में हर महीने 1000 लोगों की किडनैपिंग होती है, आंकड़ा चौंकाने वाला है। जनवरी महीने में देखिए जरा 847, अप्रैल में 1161, मई में 1300, जून में 1151। ये मामले हर महीने लगातार इसी तरीके से निकल कर सामने आते हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। उधर भोपाल में निजी बैंक कर्मी के अपहरण मामले में नया खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बैंक कर्मी के मामा के दोस्त हंसराज ने ही राहुल रॉय को अगवा कर 1 करोड़ की फिरौती की मांग की थी। दरअसल हंसराज पिछले 2 महीने से राहुल रॉय की रेकी कर रहा था, जिसके बाद हंसराज ने राहुल की किडनैपिंग की थी। आपको बता दें कि राहुल रॉय के पिता ने निजी बैंक में करोड़ों की FD करा रखी थी और उस करोड़ों रुपए का राहुल इकलौता वारिस था। यही सोचकर हंसराज 2 बार निजी बैंक पहुंचा था। बता दें कि हंसराज ने राहुल का अपहरण करने के बाद पहचान छुपाने के लिए उसके साथ मारपीट की और उसे मरा समझकर रातिभर जंगल में फेंक दिया था। हालांकि बैंक के रिकवरी मैनेजर राहुल अभी अस्पताल में भर्ती हैं। तो वहीं पुलिस ने हंसराज को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने दावा किया है कि वो जल्द ही इस हत्या की गुत्थी को, इस पूरी जो ये गुत्थी है, इसे सुलझा लेगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सहायक आबकारी आयुक्त आलोक खरे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकायुक्त के बाद अब ईडी भी जांच करने की तैयारी कर रही है। ईडी ने लोकायुक्त DG कैलाश मकवाना को पत्र लिखते हुए आलोक खरे और उनकी पत्नी से जुड़े सभी दस्तावेज मांगे हैं। ईडी आलोक खरे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच करेगी। इससे पहले लोकायुक्त ने छापेमारी कर पति और पत्नी दोनों को ही आरोपी बनाया था, लेकिन अब तक खरे के खिलाफ कोई विभाग ने एक्शन नहीं लिया। साल 2019 में लोकायुक्त ने शिकायत के आधार पर इंदौर में पदस्थ आबकारी विभाग के अधिकारी के 5 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी भी संपत्ति और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन के मामले में जांच के लिए FIR और जांच की जानकारी मांगी गई है। ईडी ने साफ किया है कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी से पूछताछ करनी भी जरूरी है। वहीं छिंदवाड़ा के देहात थाना में एक दिव्यांग युवती से रेप का मामला सामने आया है। दिव्यांग युवती से सेंटर के संचालक ने ही दुराचार किया, जिसके बाद देहात थाना में रेप की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामला सामने आने के बाद आरोपी संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि संचालक 2016 से 2021 तक दिव्यांग का शारीरिक शोषण करता था।